गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल मीन्स जो आदर्श फ्यूल है, जो अच्छा ईंधन है, उसका उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी करैक्टरिस्टिक कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए। एन आइडियल फ्यूल और एक गुड फ्यूल हैज़ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। एक आइडियल फ्यूल में निम्नलिखित करैक्टरिस्टिक होते हैं। इट हैज़ ए हाई क्लोरोफिक वैल्यू, इसका क्लोरोफिक वैल्यू हाई है, मीन्स ये हुआ द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी बाई कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल इज हायर। दैट इज इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास। ओके, इट बर्न्स इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट। ये आसानी से जलता है एयर में, हवा में, मध्यम दर से, ना कि विस्फोट की तरह से जलता है, ना ही बहुत धीरे धीरे जलता है। इट इज बर्निंग एट द मॉडरेट रेट। दैट इज बर्न्स नाइदर टू फास्ट एंड नॉर टू स्लो। दैट इज इट बर्न्स नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो। मतलब इस आगे जो लिखा है, इट बर्न्स इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, की है आसानी से हवा में मध्यम दर से जलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो बहुत तेजी से जलता है, ना ही धीरे धीरे जलता है। इट हैज ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इसका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर है, यानी उचित होता है इसका इग्निशन टेम्परेचर, नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई। यदि इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो है तो इट विल बर्न देयर ओन बाय गेटिंग सनसेट। ओके, एंड इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज नॉट सो हाई दैट इट कैन नॉट कैच फायर इजीली। कि इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना भी ज़्यादा नहीं है कि इसमें आसानी से आग भी नहीं लगे। यदि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा तो फ्यूल अपने आप जलने लगता है, और इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उसको जलाना मुश्किल होता है। तो ऐसा ईंधन जो अपने आप जलने लगे और जिसको जलाना मुश्किल है, दोनों ही प्रकार के जो फ्यूल होते हैं, दैट आर नॉट गुड। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज और लीव्स एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। इसका मतलब यह है कि इससे कोई हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं, और ये कोई जलने के बाद अपशिष्ट भी नहीं छोड़ता है। दीज आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल विच में पोल्यूट एनवायरनमेंट। जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, जो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग बचता है, वो दोनों क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो क्योंकि जो आइडियल फ्यूल है उससे ना तो हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होती हैं, ना कोई रेसिड्यू रिमेनिंग रहता है, सो इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। इट इज चीप, रेडीली अवेलेबल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। ये सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, और इसको इसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान है। तो हम ये लर्न करने हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। प्लीज नोट दैट देयर इज परहैप्स नो फ्यूल विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल फ्यूल। कृपया ध्यान दें, क्या ध्यान दें, कि शायद कोई ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको हम आइडियल फ्यूल माने। मतलब ये हुआ कि ऐसे कोई, मतलब एक ही फ्यूल में ये जो आइडियल फ्यूल की सारी प्रॉपर्टीज संभव नहीं है। वी शुड चूज ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर पर्टिकुलर यूज। हम किसी विशेष यूज के लिए उस फ्यूल का चुनाव करते हैं जो अधिकांश रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है।
flame. If we heat one end of a magnesium ribbon over a burner, हम मैग्नीशियम रिबन के वन एंड को एक बर्नर के ऊपर गर्म करते हैं. वी फाइंड हम पाते हैं दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स बाई प्रोड्यूसिंग ए ब्रिलियंट वाइट फ्लैम, कि मैग्नीशियम रिबन तेज चमक ब्रिलियंट वाइट फ्लैम के साथ जलता है, यानी चमकदार सफ़ेद ज्वाला के साथ. ये इसको फ्लैम को ज्वाला कहते हैं अपने हिंदी में. तो ब्रिलियंट वाइट फ्लेम के साथ में मैग्नीशियम रिबन जलने लगता है. वी हैव ऑल्सो सीन ए कैंडल फ्लेम, हमने एक कैंडल फ्लेम भी देखी है. ए केरोसिन लैम्प फ्लेम, केरोसिन लैम्प फ्लेम भी हमने देखी है. एंड ए बुनशन एंड ए बुनशन बर्नर फ्लेम. This is the Bunsen burner and it's a flame. तो ये हमने सभी flames अपने daily life में कभी ना कभी देखी हैं. You can see it in the chemistry lab. और candle और जो lamp हैं, you have seen these things at your home. Actually flame is blaze ऑफ ए फायर, तो आग की जो लपट होती है उसको फ्लेम कहते हैं. इट इज कॉल्ड ज्वाला और लपट इन हिंदी, तो इसको हिंदी में ज्वाला या लपट कहा जाता है ब्लेज को. ए फ्लेम इज ए रीजन, फ्लेम वो क्षेत्र है वेयर कंब्यूशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक प्लेस, जहाँ पर गैसेस जो पदार्थ हैं, जो गैसीय पदार्थ हैं, गैसीय सब्सटेंस हैं, उनका कंब्यूशन हो रहा होता है. इस फ्लेम एरिया में क्या होता है, ये वैक्स पहले मेल्ट हुई, मेल्ट होकर के उसको वेपोराइजेशन हुआ. पहले सॉलिड है, इट इज़ गेटिंग हीट, देन द लिक्विड वैक्स विल कन्वर्ट इनटू वेपर एंड द वेपर विल बर्न. And by burning the vapor, the flame will be produced. In the same way, the kerosene liquid is getting heat and converting into its vapor. Then after, the vapor is burning and the vapor is producing flame. And in the same way, this is all the gases which undergo combustion produce flame. सभी गैसें जो जलती हैं, जिनका combustion होता है, वो flame produce करती हैं. But only those solid and liquid fuel which vaporize on being heated burns with a flame. Solid or liquid, केवल वही solid or liquid fuel जो गर्म होने पर vaporize होते हैं, उन्हीं से flame उत्पन्न होती है, उन्हीं के जलने पर flame उत्पन्न होती है. In other words, only those solid and liquid fuels which form gas on being heated burns with a flame. यानी कि ऐसे लिक्विड और सॉलिड जिनको गर्म करने पर जो वेपोराइज हो जाते हैं, वही जो गैसों में बदल जाते हैं, वही जलने पर फ्लैम उत्पन्न करते हैं. एलपीजी एंड बायोगैस आर गैसेज which undergo combustion. LPG और biogas गैसें हैं जिनका combustion होता है. So LPG and biogas burn by producing a flame. LPG और biogas जलने पर flame उत्पन्न करते हैं. Wax and camphor, camphor मतलब कपूर होता है, wax मोम होता है, are solid substances, दोनों ही solid हैं, which vaporize, जो heat प्राप्त करके vaporize होते हैं और फॉर्म गैस, जो और गैस बना देते हैं ऑन हीटिंग, गर्म करने पर. सो वैक्स एंड कैम्फर बर्न विद ए फ्लैम, इसीलिए वैक्स और कैम्फर कपूर जब जलते हैं तो फ्लैम उत्पन्न होती है. सिमिलरली केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आर लिक्विड विच फॉर्म वेपर्स ऑन बीइंग हीटेड. तो मस्टर्ड ऑयल है, दूसरे लिक्विड हैं, केरोसिन है, ये मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, दूसरे और ऑयल हैं, वो क्या होते हैं,
गर्म करने पर उनकी वेपर बनती है, और गर्म करने पर वेपर बनती है, वेपर जलती है तो फ्लेम उत्पन्न करती है। सो केरोसिन एंड मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग फ्लेम। Thus, some of the substances which burn by producing flames are LPG, biogas, wax, camphor, magnesium, kerosene oil and mustard oil। तो ये सब पदार्थ बताए हैं, ये substances बताए गए हैं जो गर्म करने पर, पहले यदि solid हैं तो liquid बनेंगे, liquid बन करके फिर vaporize होंगे। तो ये सारे जो हैं ये जलने पर ये फ्लेम उत्पन्न करते हैं, जैसे एलपीजी गैस है, बायोगैस है, वैक्स है, एम्फोर है, मैग्नीशियम है, केरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, वैक्स कैंडल एंड केरोसिन ऑयल लैम्प, यानी मोमबत्ती और केरोसिन ऑयल लैम्प, हाँ वेक उनमें बत्ती होती है। मोल्टन वैक्स एंड केरोसिन ऑयल राइज थ्रू द वीक। मोल्टन वैक्स पिघला हुआ मोम और केरोसिन ऑयल इस वीक के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ता है। गेट वेपराइज, वेपर बनती है ड्यूरिंग बर्निंग, जलते समय, एंड फॉर्म फ्लेम और फ्लेम उत्पन्न करता है। ऑन अदर हैंड चारकोल इज ए सॉलिड फ्यूल विच डज नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग। चारकोल फ्लेम उत्पन्न नहीं करता जलने पर, क्योंकि ये सॉलिड है और ये वेपराइज नहीं होता है। सो चारकोल डज नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, इसलिए चारकोल के जलने पर फ्लेम उत्पन्न नहीं होती है। चारकोल ओनली ग्लो एंड ऑन कम्बशन, ये कम्बशन प्रोसेस में केवल चमकता है। सिमिलरली कोल इज ए सॉलिड फ्यूल, कोले का सॉलिड फ्यूल है विच डज नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग, जो गर्म करने पर वेपोराइज नहीं होता है। सो कोल ऑल्सो डज नॉट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, इसलिए कोल भी जलने पर फ्लेम उत्पन्न नहीं करता है। कोल जस्ट ग्लो रेड ऑन कम्बशन, कम्बशन पर कोयला केवल लाल तप्त हो जाता है, ग्लो करने लगता है। When fuel burn, the type of flame produced depend on the proportion of oxygen of air which is available on for burning the fuel. When fuel burn, जब फ्यूल जलता है, type of flame produced depend, तो जो फ्लेम उत्पन्न होती है वो किस पर डिपेंड करती है? जब कोई फ्यूल जलता है तो उससे उत्पन्न होने वाली फ्लेम किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन विच इज अवेलेबल। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा उस फ्यूल को जलते समय मिल रही है, उस पर वो फ्लेम डिपेंड करती है फॉर बर्निंग द फ्यूल, यानी ईंधन के जलते समय उसको ऑक्सीजन कितनी सप्लाई हो रही है, उसको एयर कितनी अमाउंट में मिल रही है। देखिए आप ध्यान दीजिए इस बात पे, जब जैसे काउडंग केक जल रहा है और जब हम उसको अच्छे से एयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अच्छे से जलने लगता है बिना विदाउट स्मोक। अगर उसको एयर नहीं मिल रही है, अपनी तरफ से हम उसको एयर नहीं दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मोक देता है, फ्लेम कम देता है। और जब हम उसको या तो ब्लो करते हैं या फिर फैन से उसको एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो विदाउट स्मोक जलने लगता है और उसकी जो फ्लेम का कलर है ना वो बदल जाता है। पहले तो ज़्यादा मात्रा में डार्क दिखता है, ज़्यादा रेड दिखता है, और जो एयर ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होती है तो उस फ्लेम का कलर ब्लू होने लगता है। तो आप देखिए फ्लेम जिनको ज़्यादा एयर सप्लाई हो रही होती है, जैसे केरोसिन जो स्टोव होते हैं, आप देखिए केरोसिन को जला करके केरोसिन जब जलाया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक उत्पन्न होती है। और जब उसको स्टोव में फिल करके और स्टोव के अंदर जो उसका केरोसिन ऑयल का टैंक होता है उसमें एयर फिल कर दी जाती है, उसमें एक पाइप होता है जिसको प्रेस किया जाता है बार बार, इससे उस केरोसिन ऑयल में प्रेशर के साथ में एयर पैक कर दी जाती है, स्टोर कर दी जाती है। अब जब केरोसिन ऑयल प्रेशर के साथ में आता है तो उसके साथ में एयर आती है, मतलब ऑक्सीजन प्लस केरोसिन ऑयल का मिक्सचर बाहर निकलता है और वो जलता है। तो फिर जो केरोसिन जलता है वो विदाउट स्मोक ही जलता है, उसकी जो फ्लेम है उसका कलर भी ब्लू होता है, जैसा हमारा एलपीजी गैस का के जलने पर जो फ्लेम उत्पन्न होता है ऐसा फ्लेम केरोसिन का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है और जब उसको एयर नहीं दी जाए, वैसे जलाया जा रहा है बाई ए वीक, यानी एक बत्ती के द्वारा हम उसको जलाना चाहें, दैट विल प्रोड्यूस वेरी मच अमाउंट ऑफ स्मोक एंड इट्स अ फ्लेम विल बी रेड। यानी हम उसको यदि सीधे डायरेक्ट जलाते हैं, केरोसिन को किसी बत्ती की सहायता से जला देते हैं, जैसे हमने अपना दीपक जलाया, ऐसे यदि जलाना चाहें तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वो स्मोक देता है, ब्लैक ब्लैक, और उसकी फ्लेम का कलर भी रेड रेड होता है। इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग सो मच अमाउंट ऑफ हीट, बट इन द केरोसिन स्टोव द केरोसिन इज बर्न, केरोसिन बर्न्स विदाउट स्मोक बाई प्रोड्यूसिंग द फ्लेम लाइक द एलपीजी गैस। ओके सो स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे।